बॉलीवुड एक्टर, कॉमेडियन, डायरेक्टर और डायलॉग राइटर कादर खान का अंतिम बार फिल्म हो गया दिमाग का दही में नजर आए थे। कुली, मुकद्दर का सिकंदर, लवारिस, शराबी और अमर अकबर एंथनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखने वाले कादर खान के लिए बॉलीवुड में पहचान बनाना कतई आसान नहीं था। कादर खान ने हर तरह के फिल्मों में काम किया है। कादर खान ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने जीवन की कुछ बातें शेयर की। कादर खान चार भाई थे, लेकिन 8 साल की उम्र होते ही उनके तीनों भाई की मौत हो गई, जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ मुंबई रहने आ गए। कादर खान का बचपन काफी गरीबी में गुजरा था। कादर बताते हैं, एक बार निराश होकर वो फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे तो उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि फैक्ट्री में काम करने से गरीबी दूर नहीं होगा, अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो कलम उठाओ। इसके बाद का कादर खान ने पढ़ाई में दिल लगाया और कॉलेज में ड्रामा लिखने लगे। लोग उनके काम को पसंद भी किया। इसके बाद वो फिल्में लिखने लगे। कादर बताते हैं कि एक बार वो फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का स्क्रिप्ट लेकर फिल्म सेट पर पहुंचे तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें कहा, क्या कादर भाई, एक सीन 16 पेज का आपने तो पूरी किताब ही लिख डाली है। दरअसल कादर खान ने अमिताभ बच्चन जो गाने से पहले स्पीच देते हैं उसको 16 पेजों में लिखा था। कादर खान बताते हैं कि उस स्पीच में उन्होंने अपनी पूरी कहानी बयां कर दी थी। कादर खान ने जब इस स्पीच को अमिताभ को सुनाया तो उनके आंखों से आंसू निकल आए। इसके बाद अमिताभ ने कादर से कहा, सर जी आप ग्रेट हो, मुझे इसी तरह की स्क्रिप्ट दिया करो ताकि मेरा मन काम करने में लगता रहे।